हेलो दोस्तों, मनमीत किचन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज एक और स्टार्टर की रेसिपी देखते हैं। हेल्दी वर्जन है ये काफ़ी, क्योंकि इसमें हम पनीर वगैरह को फ्राई नहीं करते बिल्कुल भी। एक मैरिनेट अच्छा सा तैयार करेंगे और उसमें पनीर पीसेस को कोट करके और हम ऐसे डायरेक्ट फ्लेम पे रोस्ट करने वाले हैं। आप जितना चाहें उतना बटर लगाएं, अगर आप नहीं चाहते तो बिल्कुल भी मत लगाइए। बट हाँ, ये जो रेसिपी तैयार होगी ना, आपके पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और इतने अच्छे टिक्के बनने वाले हैं कि ये टिक्के मार्केट वाले टिक्के को भी फेल करेंगे। कैसे, वो आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। बहुत सारे इसमें टिप्स हैं, लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद आपको और कोई रेसिपी रेफ़र नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ। क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप बहुत ही अच्छा पनीर टिक्का रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कोटेड है हमारा पनीर। तो चलिए फिर इस तंदूरी पनीर टिक्के की रेसिपी को देखते हैं विदाउट तंदूर। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि हमारे और व्यूज़ बढ़ सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ हम लेंगे अराउंड 600 ग्राम्स पनीर, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट मैं 600 ग्राम के आसपास लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्यूब्ड वेजीज चाहिए, जिसमें मैंने टोमेटो लिया है, उसके सीड्स निकाल दिए हैं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने प्याज लिया है, ऐसे बड़े बड़े बल्ब्स निकाल लिए हैं प्याज के। और कैप्सिकम ली है मैंने, दो तरह की, येलो और ग्रीन। तो यहाँ और भी कोई अगर आप वेजिटेबल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे कि रेड बेल पेपर ले सकते हैं। स्पाइसेस देख लेते हैं एक बार। भुना जीरा लिया है मैंने, चाट मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। साथ में हम लेंगे नमक। तो यहाँ जो ये मसाले हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन, ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है। साथ में यहाँ मस्टर्ड ऑयल है और बेसन है, ये बाइंडिंग प्रोवाइड करेगा हमारी मैरिनेशन को। तो ये पूरा प्रोसेस देखना ज़रूरी है। यहाँ हम बनाएंगे एक चटनी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा धनिया लिया है, एक प्याज है, थोड़ी सी हरी मिर्च और नींबू का यूज़ करेंगे, हाफ नींबू लिया है मैंने, क्योंकि हम इसमें दही भी डालने वाले हैं। तो मैं जैसे कि बता रही थी, यहाँ मैंने पनीर थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि मैं प्रॉपर शेप के पीसेस फॉर्म कर सकूँ। थोड़ा ज़्यादा पनीर है बट मैं यूज़ कम करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पनीर के करने वाली हूँ बड़े बड़े पीसेस। आप भी प्लीज़ इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है ना, यहाँ पर मेक श्योर करना है कि हमारा पनीर अच्छे से पक जाए और बिल्कुल भी हार्ड ना हो। प्लस जब हम स्क्यूअर पे पकाएं तो ऐसा ना हो कि वो टूट के गिर रहा है। अगर ज़्यादा छोटे पीसेस होंगे तो वो ईजिली ब्रेक हो सकता है। और यहाँ हम इसके साथ एक छोटा सा ट्रीटमेंट भी करेंगे, जिससे हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि हमारा पनीर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा जब हम उसे रोस्ट करेंगे। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ली है, जो कि है हंग कर्ड। मैंने दही को ऐसे छन्नी में रख दिया था और उसे फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, ताकि सारा एक्सेस पानी निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून के आसपास दही लिया है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। थोड़ा सा दही मैं निकाल लूँगी अपनी चटनी के लिए। तो अराउंड आपको यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून के आसपास लगेगा पनीर की मैरिनेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम स्मूथ कर्ड ले लिया है हमने, एकदम गाढ़ा है, पानी नहीं है। इसमें अपने सारे मसाले डाल दीजिए और अदरक लहसुन डाल दीजिए। अब मसालों की क्वांटिटी जो मैंने लिखी है परफेक्ट है। अगर आपको नमक थोड़ा बहुत कम लगता है, आप हमेशा हल्का सा मैरिनेट को चख के देख सकते हैं, क्योंकि इसी से मेन टेस्ट आने वाला है, तो आप नमक बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी से ये स्टेप देखते हैं। हमें क्या करना है, पनीर का एक्सेस मॉइस्चर निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है पनीर के पीसेस पे, और इसे हम 2 मिनट के लिए कुक करने वाले हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो बेसिकली हल्की सी हीट लगेगी और नमक है, तो जो पनीर है उसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पनीर है वो टूटे ना जब हम टिक्का बनाएंगे, क्योंकि जो हम मार्केट से पनीर लाते हैं ना, जो मलाई पनीर कह के बेचते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होता है, कई बार पानी में भी रखा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है यहाँ पर, जो हम बेसन डालने वाले हैं। अब यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, और यहाँ बेसन डाल दिया है। अब हमें बेसन को कुक करना है अच्छे से। तो 500 से 600 ग्राम पनीर के लिए 1.5 टेबलस्पून बेसन बहुत है। इसे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाइए, फ्लेम स्लो होना चाहिए, और जैसे ही इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और हल्की सी हल्दी डालेंगे। इससे क्या होगा ना, बहुत अच्छा रंग आएगा हमारे पनीर टिक्के का। हम कोई फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे जो मार्केट में किया जाता है। तो
तो इसे भी हल्का सा पका लीजिए और बिना देरी के इसे अपने जो दही वाला मिक्सचर था उसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ मैंने हल्का सा पका लिया है और इसे मैंने दही में ऐड कर दिया, वो शॉट मैं नहीं ले पाई थी थोड़ा जल्दी में। अच्छा, आपने दही में अच्छे से उसको मिक्स कर देना है और यहाँ पर ऐड कर दीजिए अपने वेजीज। अब यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी जो कि है कसूरी मेथी, तो उसे आप पहले ही ऐड कीजिए, मैंने बाद में ऐड किया है, आपको दिखाऊंगी। तो वेजीज को अच्छे से मिक्स कर दिया, अब डालेंगे पनीर और इसे भी अच्छे से कोट कर देंगे। तो आप यहाँ पर हमेशा ना एक बार हल्का सा मैरिनेट को चख के देख लीजिए, तो अगर आपको नमक कम लगता है थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बतानी थी वो ये है कि कई लोग क्या करते हैं ना, भुना हुआ बेसन डालते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी जैसे मैंने पका के बेसन को डाला है तेल में पका के, वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है, आप वैसे ही फॉलो कीजिए। यहाँ हम एक स्पाइसी चटनी बनाने वाले हैं, इस चटनी की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, दही वाली चटनी जो हमें मार्केट में मिलती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें जो दिखाई थी आपको वो एक मिक्सी में डाल दी है। आधा लेमन यूज़ करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से पीस लेंगे। और फिर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो हमने दही निकाल के रखा था उसमें इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। अब मेरा यहाँ थोड़ा सा सामान कम था तो ये थोड़ा दरदरा पिसा है, हालांकि बहुत अच्छा लगता है दरदरा भी। आप और स्मूथ पीसना चाहते हैं तो ये दही वाले मिक्सचर को भी एक बार अच्छे से मिक्सी में पीस सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी, एकदम टैंगी सी और स्पाइसी है ये चटनी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो हमारा पनीर को हमने रेस्ट करने रख दिया था 20 मिनट फ्रिज में, अब इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ मैंने लिया है मेटल स्क्यूअर। अब जब हमें पनीर को इस स्क्यूअर में डालना है तो एक बार देखिए कैसे कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम डालेंगे वेजीज और उसके बीच में ना पनीर डालेंगे, क्योंकि हमें पनीर को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। अब जब पनीर डाल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम इसे सीधा सीधा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके डालेंगे ताकि जो उसका सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाए। जब मैं रॉड में डाल रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने उसे डायगनली डाला है ताकि उसका ज़्यादा एरिया स्क्यूअर में होल्ड हो सके। इससे हम मेक श्योर करेंगे कि हमारा पनीर टूटेगा नहीं। तो सेकेंड स्क्यूअर भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे, पहले वेजिटेबल्स डालिए, बीच में पनीर डालिए, फिर वेजिटेबल से उसे होल्ड कीजिए, लास्ट में हमेशा वेजिटेबल आना चाहिए ताकि एक बाइंडिंग मिल सके पनीर को। तो आप समझ गए होंगे कि क्या वो स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि बाहर तो तंदूर में पकाया जाता है और उनका कभी भी पनीर ना टूटता नहीं है, लेकिन घर पर जब हम बनाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, मैंने लिया है थोड़ा सा मेल्टेड बटर और यहाँ हम पकाने वाले हैं पनीर को डायरेक्ट गैस पे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं कढ़ाई में पका लो या नॉनस्टिक पैन में पका लो, तो उससे क्या होता है ना, कभी भी ये जो मैरिनेट है ना ये चिपका नहीं रहता, वो हल्का हल्का छूटेगा ही। तो ये बेस्ट ट्रिक है जो मैं दिखा रही हूँ आपको कि हम डायरेक्ट इसे गैस पे पकाएंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर रखिए, हमें स्लो स्लो पकाना है, अराउंड 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको अगर आप ये बहुत अच्छे से पकाना चाहते हैं। वो फ्लेवर तो आएंगे ही, प्लस हमारे वेजिटेबल्स और जो पनीर के ऊपर जो ये मैरिनेट लगा है ना अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और जब पनीर 80% रेडी है तो बीच में हल्का हल्का बटर लगा लीजिए, तो ये बटर से तो आपको पता ही है कितना टेस्ट उभर के आता है। तो अगर आपके पास ये मेटल स्क्यूअर नहीं है तो क्या किया जाए, आप लीजिए वुडन स्क्यूअर, उसे अच्छे से ओवरनाइट सोक करके रखिए पानी में और फिर उस वुडन स्क्यूअर को यूज़ कीजिए। वुडन स्क्यूअर पे ऐसे आप वेजिटेबल्स और पनीर को लगाइए कि वुडन स्क्यूअर कहीं पे भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, अगर वो हीट के एक्सपोज हुआ तो वो वहाँ से टूट जाएगा। तो आप वो प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, हालांकि मैं सजेस्ट करूँगी आप ये मेटल स्क्यूअर जिसका हैंडल भी होता है ये सेफ़ रहता है यूज़ करने में। तो आप देख सकते हैं मैरिनेट कितना नीचे गिरा है, बिल्कुल भी नहीं, आपका गैस भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होगा, हमने इतनी अच्छी बाइंडिंग की है कि वो पिघल के नीचे नहीं गिरेगी। पनीर देख सकते हैं कितना अच्छे से कुक हो रहा है और बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो क्या आपको ये रेसिपी बाज़ार से अच्छी लगी या नहीं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और ये इतना आसान नहीं होता है जब हम घर पे पनीर टिक्का बनाते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ये देखा है, कई बार मैरिनेट चिपकता नहीं है, कई बार पनीर टूट के गिर जाता है, वेजिटेबल्स कुक नहीं हो पाते। तो ये वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिए हैं, आपको और कोई वीडियो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मार्केट से अच्छा नहीं लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर लगता है तो भी ज़रूर बताइए। तो गाइस एक बार इस पनीर टिक्का की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, पनीर अंदर से एकदम सॉफ्ट है और इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर है इसमें और पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है जैसे कि मैंने बताया। आप चाहें तो इस पे और बटर लगा सकते हैं,
मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। आप चाहे तो इस पर क्रीम भी डाल सकते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए, बट मैं सब अवॉइड करूँगी, मैं डायरेक्टली ऐसे ही सर्व करूँगी। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये स्क्यूअर्स ऑर्डर करने हैं, मैं ऑनलाइन लिंक दे दूंगी अमेज़ॉन का, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसा बना है ये पनीर टिक्का। तो सबसे पहले ये जो स्टॉपर लगाया है आगे, इसे निकालिए, फिर पनीर के पीस को निकालिए, बहुत आसानी से निकलेगा। अब आप देख सकते हैं मैं एक पीस दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेस मॉइस्चर निकल के हार्ड हो गया है, रबड़ी हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।